morning class. In this computer class, we are going to discuss the model test paper of computer. You all are having the computer mock test paper, na? Take it out very fast. Take out your mock test paper. सबको अपना अपना मॉक टेस्ट पेपर निकालना है और आज हम लोग अपना मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। मैम आपको आंसर्स बताएंगी, आपको कहाँ पे लिखने हैं वो आंसर्स। यू हैव टू राइट दीज आंसर्स इन योर पेपर ओनली। जो आपके पास शीट होगी ना, उसी में आपको आंसर्स लिखने हैं और ये शीट आपको अपनी रिविजन नोटबुक में पेस्ट करनी है। ओके, कोई भी बच्चा ये मॉक टेस्ट पेपर कंप्यूटर की नोटबुक में नहीं पेस्ट करेगा। यू हैव टू पेस्ट दिस मॉक टेस्ट पेपर इन योर रिविजन नोटबुक। ओके, सो आर यू ऑल रेडी विथ योर मॉक टेस्ट पेपर? ओके, सो नाउ आप अपने मॉक टेस्ट पेपर पे सबसे पहले डेट डालिए एंड क्लास वर्क डालिए। जिन बच्चों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है वो एक बार मैच करेंगे whether they have done right or wrong. So first of all put the date and class work. Now ma'am is going to read number one question. You will listen quietly, okay? और आप लोग मैम को आंसर दोगे। See number one question is fill in the blanks. Fill in the blanks लिखा है ना सबके mock test paper में? Okay, number one is air and water are dash things. तो अच्छा मैम को आप लोग बताइए एयर एंड वाटर क्या है? नेचुरल और मैन मेड? दे आर नेचुरल। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में व्हाट इज द हेडिंग? फिल इन द ब्लैंक्स। मैम इज राइटिंग ओनली आंसर्स ऑन द बोर्ड। ओके, कर लिया है मैम दोबारा बोलिए, एक बार चेक कर लेना वेदर यू हैव रिटन राइट और रॉन्ग। इट इज नेचुरल थिंग, सॉरी एन वुड बी स्मॉल। नेचुरल। नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज कंप्यूटर नेवर मेक्स डैश। कंप्यूटर कभी भी क्या नहीं करता है? अ कंप्यूटर नेवर मेक्स, वेरी गुड, मिस्टेक्स। आंसर इज मिस्टेक्स। अ कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स। राइट इट डाउन फास्ट। करने के लिए क्या चाहिए? वेरी गुड, ह्यूमन पार्ट।
would be again a small HUMA human part. POWER, human part. Write down these FIBs very fast. करके करेक्ट वर्ड बना सकते हैं। टू फास्ट यू
योर ब्रेन। यस, टेल मी द आंसर। वेरी गुड। फर्स्ट वर्ड इज टैबलेट। एवरीवन राइट द स्पेलिंग ऑफ टैबलेट। TABLET, टैबलेट। And after writing this, see the another word and find out the new word. Second word is, जल्दी से देखो अपने मॉक टेस्ट पेपर में, what is the second word? Very good. Second word is desktop. DESKTOP, desktop. Now, after writing the spelling of desktop, write down the see the new word. Third word को देखिए और बनाइए इससे new word. Now, question
मीन्स आपको पूरी स्टेटमेंट रीड करनी है एंड देन बताना है कि इज इट ट्रू और फॉल्स. ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत. ओके, यू हैव टू टेल. नाउ मैम इज रीडिंग, आप लोग बताइएगा दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और इट इज फॉल्स. ओके, नंबर वन इज अ कंप्यूटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सो टेल मी, कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है. ट्रू. ओके, इट मीन्स अ कंप्यूटर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. राइट डाउन टी, राइट डाउन टी. नाउ रीड सेकेंड वन. सेकेंड वन इज अ कंप्यूटर गेट्स टायर्ड. क्या कभी कंप्यूटर थकता है? नो, इट मीन्स ये गलत है ना. सो व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट एफ फॉर फॉल्स. ओके, हम लोग सिर्फ टी या एफ लिखेंगे. ओके, नो नीड टू राइट फुल स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड क्वेश्चन नंबर थर्ड. एंड एरोप्लेन रन्स ऑन ह्यूमन पार्ट. एरोप्लेन ह्यूमन पार्ट पे रन करता है. नो, एरोप्लेन किस पे रन करता है? ऑन फ्यूल. सो इट इज फॉल्स. वी विल राइट अगेन एफ. ओके, राइट डाउन एफ. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, चेयर एंड टेबल आर मैन मेड थिंग्स. चेयर एंड टेबल मैन मेड है और नेचुरल है. इट इज मैन मेड. सो वी विल राइट इट इज ट्रू. सही है ना, नोटबुक में सही लिखा है. सो वी विल राइट टी फॉर ट्रू. नंबर फिफ्थ, अ कंप्यूटर कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इन इट. कंप्यूटर में हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. अगेन दिस लाइन इज ट्रू. सो अगेन वी विल राइट